तो भैया जी शादी तो अच्छे हो चुकी है, मज़ा आ गया वहाँ। बट वहाँ के वहाँ ना थोड़ा मतलब जैसे हमारा इलाका है ना तो वो थोड़ा उस साइड के लिए पड़ता है, और हमारे इलाके में जो शादी होती है ना जब हम दुल्हन के यहाँ जाते हैं या दूल्हे के यहाँ जाएंगे तो हम मजाक मतलब हमारे इधर मजाक बहुत होता है, और वहाँ हम ज़्यादा नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ के लोग थोड़े शांत भी थे तो इतना मजाक नहीं कर पाए, वरना मजा ही बांध देते हैं शादी में तो हम लोग। टाइम पर वेलकम बैक टू दी चैनल। तो होप से भी बड़े होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो अभी जीवी जीवी अभी मैं जा रहा हूँ दुकान। तो आज हम जाएंगे द्वारबाट। द्वारबाट होता है पता ही होगा, जिन्हें नहीं पता तो द्वारबाट होता ही है कि जब दुल्हन को हम अपने घर लेके आते हैं फिर दो या अगले दिन ही दुल्हन के घर जाना होता है, तो उसमें भी हम कम से कम मतलब ऐसे डिपेंड करता है कि कितने बंदे जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब हमें वहाँ से बोलते हैं कि हाँ इतने बंदे तुम लेके आ जाओ, अब वो 7 भी बोल सकते हैं, 10 भी बोल सकते हैं, 12 भी बोल सकते हैं, 20 भी बोल सकते हैं, कितने भी बोल सकते हैं, 2 भी बोल सकते हैं, 5 भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से फिलहाल हम 6 बंदे जा रहे हैं, हम जो लड़के हैं सारे हम जाएंगे बाइक से, मज़ा आ जाएगा क्योंकि गाड़ी में तो अपने को होती है उल्टी, सीधी बात है। तो भाई बाइक रेडी है, और फिलहाल आज सुबह बताया था ना मैं द्वारबाट जा रहा था, तब रेडी हो चुके हैं, मेरे साथ का जो बंदा है वो आने वाला है, फिर अपनी बाइक पे निकलेंगे। और वो चीज़ मैंने हटा दी जो यहाँ पे कैरियर के लिए लगा रखी थी क्योंकि उससे थोड़ी बाइक ना भारी हो जाती है, बट अब हल्की है, सही लग रहा है। वो तब लगाऊँगा जब कहीं लंबे टूर पर जाना होगा सामान लेके मेरे को, क्योंकि वो ईजी है, ये खटखट खोले, 2-4 नट होते हैं, 4 नट खोले फिट। तो अभी चलते हैं फिर से। तो आज जा रही है एक अपाची, एक पल्सर 220 और एक बुलेट और एक अपनी। अभी हम आधे रास्ते में पहुंच चुके हैं, यहाँ पे मतलब हम चौमिन मैगी, यहाँ मतलब मैगी पॉइंट है, मतलब थैली सैंड से थोड़े से ऊपर पे ही है, और वाला गांव देखो उनकी खेती बताऊँ उस पहाड़ी से लेकर ठीक यहाँ तक है, गांव का नाम नहीं पता मेरे को, बट हमने इस वाली रोड से है कपरौली, तो ये कपरौली गाँव है, इनके खेत यहाँ तक लग रहे, यहाँ तक। और अभी हमने यहाँ से जाना है और उस वाली रोड से ऊपर ऊपर इस पहाड़ी के पीछे निकल जाना हमने। कर क्या रहे अभी हम आ चुके हैं पक्की रोड पे, मतलब यहाँ से थोड़े से मोड़ पे कच्ची रोड है, वहां से मतलब ये लगा लो पक्की रोड है फिलहाल। अभी देखो बैंक वो हाथ काल हो गए वे। तो फिलहाल अभी मैं चला रहा था ये वाली बुलेट, बाकी मजा आ रहा है चलाने ऑफ रोड में, बाकी आगे पर्वत देख सकते हो आप। और हम जा रहे हैं नौगांव ये ना ईड़ा नौगांव है, ईड़ा नौगांव त्रिपाली सैंड, ईड़ा नौगांव त्रिपाली सैंड। तो सब ने पूछा था और सब मतलब बहुतों ने मेरे को बोला कि कमेंट में कि बाल विवाह, तो ऐसा कुछ नहीं है, हम जितने भी पहाड़ी लड़के होते हैं ना मोस्टली अगर तुम उत्तराखंड में आओगे तो यहाँ के जो लड़कों को देखोगे ना जो 25 से 28 के बीच में होते हैं वो नॉर्मल तुम्हें छोटे ही लगेंगे, क्योंकि यहाँ की हाइट ना ज़्यादा इंक्रीज नहीं होती है, मतलब 5-6 है, बट इस बंदे की है जो हाइट है 6 पा रहे बंदा, मतलब मोस्टली यहाँ पे कम हाइट के होते हैं, बहुत कम होते हैं जो लंबी हाइट के होते हैं, मतलब मोस्टली पहाड़ी लोग छोटे लगेंगे आपको चाहे कितने भी एज में हो जाए मतलब छोटे लगते हैं। तो फिलहाल हम सब ने सोचा क्योंकि बाइक गाड़ी में जाने में ना उल्टी होती है तो पूरा दिन बर्बाद हो जाता है, तो सब ने सोचा कि बाइक से ही चलेंगे, तो इसलिए हम सब बाइक से आ रहे हैं। भाई अभी दो बाइक आगे जा चुकी है और मेरी बाइक है जो वो अभी पीछे सारी है, और हाथ देखो कितने काले हो चुके, और यहाँ पे इतनी ज़बरदस्त ठंड है ना, तो ये देखो मैं नाम ले रहा था और ये पहुँच चुके, तो ये भी पहुँच चुके अब तो ये इसमें अर्से रखे हुए, ये हर पता ही होगा जो पहाड़ी लोग हैं कि जब भी दुल्हन में आ जाते कुछ ना कुछ लेके जाते, तो ये अर्से बन जाता है स्पेशल लेके जाते हैं। अरे क्या बोलते हैं पंदूड़ी, क्या बोलते रे है रे क्या बोलते हैं ना जो हम लेके जा रहे, झीटा गंडा, झीटा गंडा सब निसगड़ी तू निकला न, सब निसगड़ी तू निकला न, तेरी निर्मला सब निकला न। और इस बार बड़ा स्पीकर लेके आ रहे हैं हम, घस निकला न, किरिम पाउडर
स्पेशली बुक कराया। हाँ चादर लगे तू तब यहाँ से रितेश ने पकड़ दिया बुलेट नाना आगे पे तब रितेश ने पकड़ चुकी है बुलेट और मैं बैठ चुका पीछे। बुलेट में यही बात है मतलब बंदा रिलैक्स होकर बैठ जाता है दोनों बंदे और मेरी बाइक में ऐसा कि पिलियन में जो पिलियन में बैठा रहता ना मर जाती आफत आ जाती जैसे मैं एकदम रिलैक्स होकर बैठ सकूँगा। अब बैठोगे और जैकेट देख पूरी गंदी क्योंकि ये जो बीच का पैच है ना पूरा मिट्टी से लथपथ है और यहाँ के खुले पहाड़ है। क्योंकि अभी मैंने भाभी से पूछा था कि भाभी आपको हमारे गांव में कैसा लग रहा है तो कह रहे बेकार लग रहा है क्योंकि उनके जो पहाड़ है ना देखो अगर ये घरिया है तो एकदम से खुला है पूरा और अच्छा भी लगता है सीन। बट हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है हमारे यहाँ पे सीधा तुम्हें मुँह आके पहाड़ दिखता है क्योंकि ढलान पे तो इनको अच्छा लगता है यहाँ पे अच्छा लगता है। इस कारण यहाँ ठंड से ना हमको बहुत से देखे ना जो यहाँ के लोग हैं उनके ना फेस यहाँ पे फटे रहते हैं हमारे फट गए थे जब शायद मजा रखे थे। हाँ मतलब जो हमारे हम गए थे ना तो हमारे गंडों की बात है हमारे सबके लड़कों के सबके यहाँ फेस फट गए थे ठंड है यहाँ पे बड़ी में अब यहाँ आदत हो चुकी है बहुत सही है एकदम जबरदस्त। और अब मैं पीछे बैठ के आराम से वीडियो बनाऊंगा तो आगे देख सकते हो मतलब पर्वत एकदम से क्लीन दिख रहा है। और यहाँ देखो मतलब अलग ही वाइब आ जाती है यहाँ पे डीटीसी आ गए या भी वीडियो बनाने वीडियो अरे यार वीडियो बना ले देख ले प्लीज एक वीडियो बुलेट पट पट कर दी भाई यार ओ भाई मुनदरी आके बहुत लाल तुम भयंकर लाल हो रहे हो। अरे यार वो तो अरे मौसम चेंज हो गया एकदम से यहां आके पहले अरे नील साहब लाल बढ़िया है मैं तो हेलमेट भी नहीं पहन रखा ना। हां वो बात नहीं फिर ठंड लग रही है इसलिए लाल हो गए मतलब जुकाम वगैरह सब कुछ हो चुका है। मिट्टी देख रहा है मिट्टी देख जरा मिट्टी तो मेरे में देखो यार यहां देख जरा बाइक पे बैठ जा वो बिचारे अरे नहीं पहले एक वीडियो बनाएंगे सुन तो ले कौन हेलमेट में बनाएंगे सब ऐसा नाच अरे नहीं हां हेलमेट में बनाएंगे ये नहीं कह रहा हट जा वो चढ़ा रहे ऊपर फिलहाल धूल मिट्टी से हमारी हालत बहुत बुरी हो चुकी है। और देखो मैं शूज़ में ये पहन के रख रखा है ताकि शूज़ गंदे ना हो और बाकी सारे बोरे और यहाँ पे इतना खुला लगता है ना मस्त मजा आ जाती है मतलब। तो अभी हम आराम से जाएंगे क्योंकि आज रात को हमने वहीं रुकना है फिर कल सुबह निकलना है घर के लिए। सभी जुबा है हम है हजारों में अब की कमी जरा है हर चीज खास है अब है जो है वो समा है तुम रह सकी तो रबा है। अभी यहाँ पे हमने इंस्टाग्राम के लिए रील भी बना दी है मस्त वाली तो आप जाके देख सकते हो। ये बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हारू हो गए सब तो ये मेरी बाइक आंसू चलाएगा और हम जा रहे हैं बुलेट में तो जाके हमारे इंस्टाग्राम में रील देखने तो इंस्टाग्राम में मैं सबको मेंशन कर दूंगा लड़कों को तो आप फॉलो भी कर सकते हैं। चलो तुम कहाँ हैं अरे यही नहीं किया तेरा हेलमेट तो से ये वाला नहीं थे
अबे यार ले तू सौरभ वाला ले ले पक्का नोगो पता नहीं है The Bluetooth device is ready to tell. The Bluetooth device is connected successfully. आगे का व्यू देखो और बाइक में फुल सिस्टम लेके चल रहा हूँ. देखो कितना बड़ा स्पीकर है. Hello, hi. जैसे होती है ना बाइक राइडर वालों की राइड, हमारी भी सेम वैसी राइड चल रही है बिल्कुल. बस पूछना चाहते हैं कि थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही है. और यहाँ के लोग देखो घास कैसे लेके जाते हैं, पीठ पे लेके जाते हैं, और हमारे गांव के लोग सर पे लेके जाते हैं. ओ है रूम है जबरदस्त. पूछना चाहते हैं कि थोड़ी सी तबीयत ठीक खराब हो रही है तो मैंने बाइक पकड़ ली. पूछना चाहते हैं आराम आराम से चल रहे हैं. तो अभी फिलहाल हम सब आ रहे हैं, सूप पी रहे हैं. अबे है चिकन अक शायद चिकन ना एक कहानी में मैं चिकन लोड गया है. रितेश की कहानी सही नहीं लग रही. सही नहीं लग रही है. एक खा ले जा तू. एक बात है चिकन तो सारे पहुंच चुके हैं बंदे. और अभी एक और बाइक रह रही है. एक और रह रही है ना. हाँ अभी एक और बाइक रह रही है अपनी आनी. ले यही लगा दे बस. बोलो संभो ना ना यहीं पे लगा दो बहुत है. तो अभी फिलहाल हम सब पहुंच चुके हैं. तो अभी अपनी चाय आ चुकी है गरम गरम एकदम फर्स्ट क्लास. सब चाय पी रहे क्योंकि यहाँ पे इतना ठंडा है ना जबरदस्त वाला ठंडा है. लंबू ठंडा कितना है? तू तो हैरू ही है. दिमाग कितना ठंडा है बता रहा है. यहाँ पे अपने के लिए थोड़ा नाश्ता लग चुका है चाय वाला. तो गिलास है इसमें पानी है उसमें गिलास गिलास में डलेगी चाय फिर चाय और पकोड़े उसके बाद बस शुरू करते हैं हम. Yeah.
भाई अभी टाइम हो चुका है 12:30 बज चुके हैं और अभी तक हम एंड तक नाचते रहे यहाँ के भी कह रहे होंगे अब यार गाना बड़े बड़े बजा रहे घस नहीं किला तो भाई सुनते ना जो आए बोल रखा है ना रुक जा तो मजा आ गया नाच के मतलब मेरे पैर में मोच आ रही है तब भी मैं नाचता रहा भयंकर वाला एक वो रहा रहा। और एक एक तो अभी तक नाच ही रहा है हम तीन बंदे आ चुके तो अभी सोते हैं मिलते हैं आपको फिर वो हरा भी हो रखा है कल सुबह मिलते हैं आपको ठीक है गुड नाइट।